तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक फॉर न्यू मिड स्टेन, क्योंकि भाई जो लिविक का फाइनल वर्जन है उसके अंदर जो मिड स्टेन है भाई उसको तो एकदम से चेंज कर दिया गया है, और भाई यहाँ पे जो पुराने वाला मिड स्टेन है मतलब कि उसकी टिप्स एंड ट्रिक हो चुकी है खत्म। तो इसीलिए आपको न्यू टिप्स एंड ट्रिक बताने वाला हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा काम आएगी। और आपको तो पता है कि जो मिड स्टेन है वो काफी बड़ा हॉट ड्रॉप है, तो भाई यहाँ पे रहते हो आप काफी ज्यादा किल भी निकाल पाओगे। तो भाई जो टिप्स एंड ट्रिक है वो काफी ज्यादा कमाल की होने वाली है, बस वीडियो को एंड तक देखते रहो और लाइक शेयर सब्सक्राइब अपनी मर्जी से ठोक दो। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस जो हमारी पहली ट्रिक है वो कि आपको मिड स्टेन में जो न्यू बिल्डिंग देखने को मिली है तो आप यहाँ पे इसके टॉप पे जा सकते हो, और इसके टॉप पे जाने के बाद आप अपनी रैंक पुश भी कर पाओगे, और भाई साथ ही साथ आप काफी सारे एनिमी वगैरह को भी यहाँ से निपटा पाओगे, यानी कि इसके ऊपर आपको काफी बढ़िया एंगल मिलने वाला है। तो आपको करना क्या है, बस इस घर के अंदर आ जाना है, फिर आपको यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर चले जाना है, और आपको भाई यहाँ पे इस वाले बालकनी के अंदर आ जाना है। अब भाई देखो आप यहाँ पे इस बालकनी के अंदर भी आ सकते हो, या फिर जो सामने की साइड है गाइस आप वहाँ पे भी जा सकते हो, मतलब कि दोनों जगह सेम है भाई, आप यहाँ पे कोई सी भी जगह पे चले जाओ। और फिर आपको यहाँ पे इस जगह पे आना है, और आपको भाई यहाँ पे जंप करना है और इसके ऊपर कर लेना है लेज ग्रैब, तो आप इसके टॉप पे आ जाओगे, और फिर आपको यहाँ पे इस साइड में आ जाना है। और भाई देखो यहाँ पे रहते हो आप अपनी रैंक पुश भी कर पाओगे, यानी कि भाई आपको चारों तरफ से कवर मिल जाएगा, तो भाई यहाँ पे आपको कोई भी बंदा डैमेज नहीं दे पाएगा। आप भाई ग्रेनेड वगैरह तो यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन भाई अगर आपको रैंक पुश करनी है तो गाइस आप यहाँ पे मतलब कि अपनी लोकेशन वगैरह रिवील मत करो, तो भाई आप यहाँ पे रैंक पुश भी कर पाओगे। और अगर मान लो कि यहाँ पे आसपास एनिमी भी रहते हैं तो गाइस आप यहाँ पे रहते हो उनको भी मार पाओगे, मतलब कि यहाँ से आपको काफ़ी बढ़िया एंगल मिलने वाला है, और यहाँ पे रहते हो आप काफ़ी ज़्यादा किल भी निकाल पाओगे। तो भाई ये वाली जो ट्रिक है ये आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ, और जो ट्रिक नंबर 2 है वो है कि जो आपको सामने की साइड घर दिख रहा है, अगर मान लो कि उस वाले घर के अंदर भी एनिमी रहते हैं और अगर आपको उनको भी एंगल लेके मारना हो तो आपको करना क्या है, इस वाले जगह पे आ जाना है, और आपको बस यहाँ से जंप करके इस वाले दीवार के ऊपर चढ़ जाना है, फिर आपको सामने वाले कॉर्नर की साइड में जंप करना है, और आपको जल्दी से स्क्रीन को घुमा के यहाँ पे लेज ग्रैब कर लेना है। अब अगर आप एक बार में नहीं आ पाओ तो भाई एक दो बार ट्राई करो, तो जैसे आप यहाँ पे एक दो बार ट्राई करोगे तो आप यहाँ पे इसके ऊपर भी आ जाओगे, और यहाँ पे आने के बाद आपको काफ़ी बढ़िया एंगल मिल जाएगा। और भाई जो भी बंदे सामने वाले घर के अंदर रहते हैं तो आप यहाँ पे रहते हो उनको मार सकते हो, और अगर मान लो कि साइड वाले घर के अंदर भी एनिमी रहते हैं तो गाइस आप यहाँ से उनके ऊपर भी एंगल ले पाओगे। तो गाइस जब भी आप इस वाले छत के ऊपर रहो और अगर मान लो कि जो सामने वाले घर है उनके अंदर एनिमी रहे और भाई अगर आपको उनको निपटाना हो तो भाई अगर आप यहाँ पे ओपन में से उनको मारोगे तो गाइस देखो आपको भी पड़ सकती है। तो आपको करना क्या है, बस आपको यहाँ पे इस वाले जगह पे आ जाना है, और फिर आपको इस वाली रेलिंग के ऊपर चढ़ जाना है, और यहाँ से आपको कोई भी बंदा नोटिस नहीं कर पाएगा कि आप यहाँ से उनको मार सकते हो, और भाई आप यहाँ पे एकदम बड़े एंगल बना के उनको काफ़ी बढ़िया तरीके से पेल सकते हो। और भाई यही सेम टू सेम जगह आपको इस साइड में भी देखने को मिल जाती है, तो गाइस आपको यहाँ पे भी आ जाना है, और आपको बस इस वाली रेलिंग के ऊपर चढ़ जाना है, और भाई यहाँ से भी आप काफ़ी बढ़िया एंगल बना सकते हो। तो भाई ये वाली ट्रिक भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम आ सकती है। और जो ट्रिक नंबर 4 है वो है कि आपको जो मिड स्टेन में है जो दो घर देखने को मिलते हैं, मतलब कि एक तो ये घर और भाई एक ये वाला घर, अगर आपको इनके अंदर डायरेक्ट रश करना हो तो भाई आपको करना क्या है, इस वाली दीवार के ऊपर चढ़ जाना है, और फिर आपको इस वाली टपरी के ऊपर जंप करना है, तो आप इस वाली टपरी के ऊपर आ जाओगे, और भाई यहाँ से आप एनिमी की लोकेशन काफ़ी आसानी से देख सकते हो। और भाई अगर आपको डायरेक्ट घुस के उनको मारना हो तो भाई आप विंडो से काफ़ी आसानी से घर के अंदर घुस सकते हो, और आप एनिमी को एकदम सरप्राइज अटैक दे पाओगे। और भाई साथ ही साथ जो सामने वाला घर है आप इसके अंदर भी जा सकते हो, बस आपको इस वाली दीवार के ऊपर यहाँ पे भी चढ़ जाना है, और इस वाले टपरी के ऊपर आने के बाद आप घर के अंदर एंटर कर सकते हो, और जो भी बंदे यहाँ पे रहेंगे तो आप उनको गेम से बाहर भी कर सकते हो। और जो ट्रिक नंबर 5 है वो है कि अगर मान लो कि इस वाले घर में ऊपर वाले फ्लोर पर एनिमी रहे या फिर अगर इन वाले सीढ़ियों में कैम करके बैठ जाएँ तो आपको करना है, बस आपको यहाँ पर बाहर की साइड आ जाना है, और फिर आपको इस वाले दरवाजे से इसके ऊपर चढ़ जाना है, और यहाँ से आप उनको काफ़ी बढ़िया तरीके से सरप्राइज अटैक दे सकते हो, मतलब कि भाई अगर मान लो कि यहाँ पे एनिमी रहता है तो आप उसको भी सरप्राइज अटैक दे सकते हो, या फिर अगर घर के अंदर किसी भी साइड रहे तो गाइस आप चारों तरफ जा पाओगे और आप उनको काफ़ी बढ़िया तरीके से निपटा पाओगे। तो आज की वीडियो में इतना था, तो मैं चलता मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।